फ़ोन पे टेक्निकल इशू प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पे में बैलेंस जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे योर रिक्वेस्ट फाइल ड्यू टू ए टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। यहाँ पे टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन किस तरह से करना, स्टेट बैंक में आ रहा है, आपको भी बैलेंस चेक कर रहे हैं आप अपने फ़ोन पे में, तो इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको किस तरह से ठीक करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन पे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन पे, फ़ोन पे यहाँ पे सर्च कर लेना है। फ़ोन पे में अगर आपका अपडेट आया हुआ है तो फ़ोन पे को अपडेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पे अपडेट आया हो तो अपडेट कर लेना है। अगर आपका अपडेट नहीं तो आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करना है। चलिए हम यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है, ओपन वाले यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से ओपन करना है। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से फिर से लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे अपने नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पिन इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए मैं अदर यहाँ पे अनदर ओटीपी के द्वारा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन विथ ओटीपी, तो यहाँ पे चलिए मैं ओटीपी के द्वारा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओटीपी के द्वारा यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन देना है वाइलिंग यूजिंग द ऐप, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है सारा, यहाँ पे परमिशन आपको दे देना है। यहाँ पे परमिशन देने के बाद यहाँ पे अकाउंट आपका यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है फ़ोन पे, अलाउ का ऑप्शन आ रहा है तो सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको फिर से आपको बैलेंस चेक करना है, आपका बैलेंस यहाँ पे SBI स्टेट बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर आपको फिर से आपको UPI इंटर करके आपको चेक कर लेना। चलिए मैं UPI पिन इंटर करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है, फिर से आपको यहाँ पे टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक में यहाँ पे टेक्निकल इशू, योर रिक्वेस्ट फाइल डू टू ए टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। तो आपको यहाँ से क्या करना है, फिर से आपको करना है यहाँ से बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट बैंक में आना है, स्टेट बैंक वाले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अनलिंक का ऑप्शन आ रहा है, अनलिंक अकाउंट, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अकाउंट के यहाँ से अनलिंक कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक भी यहाँ से अनलिंक नहीं हो रहा है। अगर आपका लिंक अनलिंक होता है तो लिंक अनलिंक कर करके फिर से यानी आपको लिंक कर लेना है। यहाँ पे अनलिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है ऑटो पेमेंट यानी मेरा ऑन है, वहाँ पे ऑटो पेमेंट ऑन है तो इसलिए मेरा बैंक अकाउंट लिंक यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपको अनलिंक करके फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, यानी फिर से आपको बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है, तब आपका प्रॉब्लम आपको ठीक कर लेना है। आपको फिर से आपको लिंक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको लिंक होने के बाद आपको बैलेंस को चेक करके आपको देख लेना है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से बैलेंस यहाँ पे मैं चेक करके देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से बैलेंस चेक करके यहाँ पे देख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस चेक करके, उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है UPI डाल के, उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं फिर से टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बैंक का प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टेट बैंक का सर्वर का प्रॉब्लम है तब टेक्निकल इशू आ रहा है। ये आपको कुछ 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ये टेक्निकल इशू आपका सॉल्व हो जाएगा बैंक के तरफ से प्रॉब्लम है। फ़ोन पे में कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में ठीक हो जाएगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।